हे गाइस, हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। आज आपके लिए एक शॉर्ट में टॉपिक लेके आऊँगी गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। वैसे मेरा आज का तो दिन बहुत ज़्यादा ही टाइट है, पता नहीं रीडिंग कब तक अपलोड हो पाएगी, बट आज के लिए यही टॉपिक मैं कंटिन्यू करूँगी कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। मैं कल ना रीडिंग डालने वाली हूँ कि नया साल आपके लिए कैसा रहेगा, रिलेशनशिप के लिए, करियर वाइज। तो कल के लिए थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है, या फिर कल भी मेरा थोड़ा शेड्यूल पैक है, अगर कल का नहीं हुआ तो परसों डेफिनेटली मैं ये टॉपिक लेके आऊँगी। तो अभी कॉल करते हैं आर्कैंजल माइकल को। डियर आर्कैंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक, जो भी पर्सन मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में है, इनकी करंट एनर्जी टूवर्ड्स इन क्या है। जी, ये पर्सन आपको जजमेंट देना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेकर, जैसे आपकी जैसे इनको वैल्यू करनी है, आपकी रिस्पेक्ट करनी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड है, कॉन्फिडेंस है आप में, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है आप। यस, ब्यूटीफुल हो आप, केयरिंग है आप, बहुत नर्चरिंग है। ये पर्सन मैनिफेस्ट तो बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा ये पर्सन आपको। ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी को कम्युनिकेशन रिसीव भी हुआ है अपने पर्सन का। यस, अब ये पर्सन बिल्कुल बिना डरे आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, पर देखिए इनको बराबर अच्छे से बैलेंस करके, इनको मैनेज करके ये पर्सन टूवर्ड्स यू आना चाहते हैं। मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, डिवाइन टाइमिंग का जैसे वेट कर रहे हो, या फिर डिवाइन टाइम खत्म हो गया है ऐसा इनको लगता है। 101% लवर, बहुत प्यार करते हैं पर्सन, वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जेन्युइन प्यार करते हैं आपसे। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप कॉन्फिडेंट हो। यस, अप्रोच करना चाहती है, किसकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल, वहाँ यस, किसने डिटैच करके रखा है, आप हो क्या ये। कोई सिंगल पर्सन है ये, आप जिनसे डील कर रहे हो ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में बातें आजकल उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। पर्सन तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है, जहाँ पे बातें हुई है मिलने की, जहाँ पे बातें हुई एक दूसरे को लेकर, जो प्यार फील करते हैं मैसेज जैसे एक्सप्रेस हुआ है, या फिर मैनिफेस्ट कर रही है पर्सन की आप इनके लाइफ में आए। आजकल आपने इनको कट ऑफ करके रखा है, तो ये पर्सन चाहते आप पहले जैसे इनके साथ मिले, झगड़ा भूल जाए जो कुछ भी हुआ था आप दोनों में, तो झगड़ा भूल कर आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा बने, जो प्यार पहले आप दोनों में था, जो घंटों बातें आप दोनों एक दूसरे के साथ करते थे, वही दौर चाहते ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में। आपको लेकर एक परमानेंट डिसीजन ये पर्सन लेना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी क्यों है एंजल, वैसे तो मुझे इनको क्लेरिफाई। जी एम्प्रेस, वही इनकी लाइफ की मलिका आप हो, या फिर आप हो सकते हैं कि आप इस पर्सन के बच्चों की माँ है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्वीन ऑफ पेंटेकल्स ने क्लेरिफाई किया है, वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको परमानेंट स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटेकल पैर की एनर्जी आ रही, कपल है यहाँ पे, या तो कमिटेड कपल है या तो मैरिड कपल है यहाँ पे। एक एक्शन, कॉन्फिडेंटली एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन। ओ माई गॉड, कितना ब्यूटीफुल। देखिए फाइव ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, सिक्स ऑफ हैंड्स एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है, मैजिशियन यहाँ पे भी मैजिशियन, सेम एनर्जी आ रही है। जो कुछ भी झगड़े थे उसको भुला कर ये पर्सन टूवर्ड्स यू आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपसे मिलना, आपसे यूनियन ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 24 घंटे मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद। सन, देखिए मैजिशियन को सन क्लेरिफाई कर रहा है, तुरंत आ जाए, जैसे कि आपने यूं ही इनको थोड़ा सा सिग्नल दे दिया, ये तो अब भी बैठ के आ जाए। देखिए कि नहीं कि कितनी रात हुई, कितना टाइम हुआ है, बिल्कुल भी देखेंगे नहीं। आप कहेंगे माइकल फुल की एनर्जी की, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बहुत ब्यूटीफुल। जी हाँ, आप ही हो इन, आपने इनको कट ऑफ करके रखा है, बट इस पर्सन को पता है आप इनको मना नहीं करेंगे, रूठ है शायद आप कहीं इनके बर्ताव से, इनके इमैच्योर बिहेवियर से हो सकता है कि आप परेशान थे, या फिर इन्होंने कभी आपके लिए इतना स्टैंड लेके, यहाँ पे भी लवर आया था बट मैं निकालूंगी, तो शायद हो सकता है इसीलिए आपने इनको डिटैच करके रखा है, ये बात हो सकती है। बट आप देखते हैं इनको पता है, बट आप इनसे ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, आप आ जाएंगे इनके लाइफ में वापस। लवर की एनर्जी क्यों एंजल, प्लीज़ गाइड मी। यस, यहाँ पे कौन शादी करना चाहता है भाई, देखिए पेज ऑफ फ्रेंड्स भी आया था,
हो सकता है ये पर्सन उम्र में आपसे छोटे है, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके ट्विन फ्लेम है गाइस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। लवर को फोर ऑफ वैंड दोनों ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखा रहे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे आप दोनों में, लगभग ये रिश्ता छूट गया था, बट अब ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं और इस एनर्जी से आपको निकाल रहे हैं। ये स्टक था ये रिलेशनशिप, या फिर आप अटके हो अभी भी पास्ट में, आप निकल नहीं रहे हो, इसलिए मैं भी इतनी कार्ड ले रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन से आप दोनों के रिलेशनशिप में ले ही लेती हूँ, कब तक मुझे बोला जा रहा है, मैं ले ही लेती हूँ। आप दोनों के रिलेशनशिप में लोग तो काफ़ी थे, ऑप्शंस काफ़ी थे, इस पर्सन की ओर से ही ये सारे परेशानियाँ मुझे दिख रही है, इसकी वजह से आप दोनों में झगड़े भी शायद बहुत हुए थे और इसीलिए आपने इस पर्सन से वॉकआउट में ले ही रही मैसेज, एक ही कार्ड पे पता नहीं मुझे लग रहा है कि मैं ले लूँ। आपने इस पर्सन के पास्ट में इमोशनली विड्रॉ किया था, कट ऑफ करके रखा था, बट अब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जब तक एक कार्ड नहीं आता तब तक मैं मैसेज ले रही थी। हाँ, पास्ट में ऑप्शन की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए थे, इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा था, ट्रस्ट इशू बहुत थे, आपको ये पर्सन एक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, परमानेंट कमिटमेंट या फिर आप एक स्टेबिलिटी चाहते थे इस रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन नहीं दे रहे थे क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शन थे या फिर अभी भी है, जहाँ से ये पर्सन इस तरीके से स्टक है कि ये वहाँ से कम्प्लीटली आ तो नहीं सकते, और आपको शायद चाहिए थी कम्प्लीट क्लैरिटी, बट अब इस पर्सन को ये कुछ पता नहीं है, इनको बस ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपका जो लॉस, आपको एक लॉस के तौर पर तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते, मेमोराइज नहीं करना चाहते, इसीलिए जो जिन्होंने इस रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉ किया था, एक टाइम पे इस पर्सन ने किया था, बाद में आपने इस पर्सन को डिटैच किया था, बट अब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की विच फुलफिलमेंट आप हो, ये है एक्यूरेट करेक्ट एनर्जी। यस, माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पर्सन जिसको इन्हें डिटैच करके रखा था या फिर आपने खुद को डिटैच किया था, इससे माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पर्सन, जितने भी बाउंड्रीज थे आपके रिलेशनशिप में वो मिटाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। वैसे तो एक्शन में ही मुझे आ चुका है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, पर्सन इस प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ऑलरेडी मैरिड है, तो इस मैरिज में वो अनकंडीशनल प्यार लाना चाहते हैं जो कभी पहले आप दोनों में था। देखते हैं क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स हिम क्या है। जी, नेक्स्ट एक्शन थोड़ा इनके लिए डिफिकल्ट, देखिए एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई थी ना, तो इनके लिए इतना आसान नहीं लग रहा है, मैंने तभी बोला था इनको बहुत सेफली इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा। यस, आपसे प्यार तो बहुत करते हैं पर्सन, एक आइसोलेशन मोड में ही नेक्स्ट एक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जहाँ जिस सिचुएशन में जिन ऑप्शन में ये पर्सन गिरे हैं वहाँ से इनके लिए हो सकता है आगे चलकर कोई दिक्कतें खड़ी करना पड़े। इस पर्सन को बहुत ही एक मैनिपुलेटिव एनर्जी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवन ऑफ हैंड्स का एनर्जी आपको भी लेके चलना, और ऐसी कोई सिचुएशन इनके लाइफ में हो सकता है, किसी के फैमिली आप दोनों का रिश्ता अलाउ नहीं कर रही है, अगर आप मैरिड है, और मैरिड है तो तब तो बात ही बात ही क्लियर है कि वहाँ से तो दिक्कतें आनी है। ऐसे में ये पर्सन एक रास्ता निकालेंगे, थोड़ा आइसोलेट रहेंगे, एक अकेलापन में जाएंगे ये पर्सन, अकेलेपन के एनर्जी में जाएंगे, बट देखिए आपके लिए इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए इनका प्यार कम होगा, आपके लिए प्यार भी है और आपके लिए बहुत अट्रैक्शन भी है इस पर्सन को, ये आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत फायदा आएगा। इस एक अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ ये पर्सन वापस इस रिश्ते में बैकआउट करते हुए दिख रही है, सन की एनर्जी है गाइस, मैं क्या ही बोलूँ, सन ही आ गया तो क्या मैं बोलूँ, सब हैप्पीनेस दिख रहा है, जैसे कि विद किड ये फैमिली पलते फूलते मुझे दिख रही है, सब अबेंडेंस इस रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जितनी निगेटिविटी थी वो शायद ख़त्म हो जाए, ऐसे मैं भी दुआ करती हूँ प्रभु से। इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन देना चाहते हैं आपको, पहले कभी ऐसा कुछ किया ना हो इस पर्सन ने, बट शायद अब करे, आगे करें, अच्छी वार्निंग शेयर करते हुए दिख रही है पर्सन। हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई फाइनेंस शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक अच्छी सक्सेस इनको मिले, ये आप को तो एक उभरता सितारा मानते हैं, शायद आप बहुत फेमस है, यस ये स्ट्रांगली आ रहे हैं, दोनों नाइट की एनर्जी आ गई, बहुत स्ट्रांगली आ रही है पर्सन आपके पास, आ ही रहे,
हाँ इनके लाइफ में दिक्कतें हैं, बट बावजूद इसके ना ये पर्सन आइसोलेट होके कोई समस्या का हल ढूंढते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और इनको मिल भी जाएगा। इनको चाहिए आप, इनको चाहिए आपका प्रति वो प्यार, इनको चाहिए आपके प्रति हो रहा इनको एक अट्रैक्शन, वो पैशन इस रिलेशनशिप में चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी शायद ये एनर्जी ना आप दे रहे हैं इनको, कि जैसे कि आप इनको बार बार फील करवा रहे हो कि इन्होंने आपको लॉस कर किया है, और शायद ये आपका जो डिटैचमेंट वाला एनर्जी देना है इनको बार बार, इस वजह से पर्सन मायूस हो जाएंगे। इनको बहुत पापड़ बेलने के लिए आप बोल रहे हो शायद, नहीं जी इतने आसानी से नहीं मानेंगे, और पापड़ बेलो और पापड़ बेलो, बट हो सकता है थोड़ी मायूसी रहे इस पर्सन को इस बात को लेकर आगे चलकर। हरमिट की एनर्जी क्यों एंजल? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, हरमिट की एनर्जी क्यों है? अगर ये पर्सन कहीं और शादीशुदा है ना, तो वहाँ तक तो ये पर्सन अकेले रहने वाले, मतलब ये पर्सन कहीं और मैरिड है। तो मैंने बोला है ना गाइस, दो सिनेरियो हो सकते, ये पर्सन कहीं और मैरिड है ना, तो हो सकता है वहाँ पे ये अकेलापन फील करे, वहाँ पे सब इनके सराउंडिंग है बट ये अकेले है, क्योंकि इनके लाइफ की विक्ट्री आप हो, प्यार ही आप इससे करते हैं। जी एक चीटिंग की एनर्जी दिख रही है आपके पास आने के लिए, इस पर्सन को कोई चीटिंग करनी पड़े, या फिर मैं एक बात आपको यहाँ पे वार्न कर रही हूँ कि थोड़ा एक कुछ बात ऐसी हिडनली है जो आपको पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में ये पर्सन ऑलरेडी है और आपको भी लेके चल रहा है, तो इसके बाद आपके लिए हर बात क्लियर होना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बाद भी कोई बात छुपाई जाती है, एक थोड़े एक लगता है कि कोई बात है कि इनको जाने नहीं देनी, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, आपके पास कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को चाहिए, और शायद इसलिए पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है। प्यार है, मैं ये नहीं बोल रही प्यार है, बट प्यार के साथ साथ को वो ऐसी एक चीज़ है, हो सकता है फाइनेंस आपका अच्छा हो जो चाहिए शायद इस पर्सन को, एक हिडन मकसद मुझे लगता है इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स आने का, आपके लिए इतना एक्शनेट होने का एक हिडन मकसद है। आपके हाथ में कोई पावर है, जैसी एक ऑथोरिटी है आपके हाथ में, अगर आप कहीं एक एक ही यहाँ पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है आप इस पर्सन के बॉस हो, ये भी बात है। तो थोड़ा एक हिडन मकसद मुझे लग रहा है, और या फिर ये बात है कि इनकी कुछ ऐसे इमोशंस है जो ये पर्सन आपसे छुपाते हैं, ये आपके ये पर्सन आपसे अपनी सारी बातें बताते नहीं हैं, और इनकी हिडन फीलिंग्स में आपको लेकर इनसिक्योरिटी है, जैसे आपको इनको छोड़ना नहीं है बट आपको लेकर इनसिक्योरिटी, एक जेलस है आपकी, आप में आपके पास कुछ ऐसी बात है जिस वजह से पर्सन मन ही मन थोड़ा बहुत तो आपसे जलते हैं, और ये बात आपको बता नहीं पाते, बट ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं गाइस, आपको ये आप माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन ने कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आपके होते हुए भी रखा था, तो हो सकता है इस बात के लिए ये पर्सन आगे चलकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल? इस गाइड में यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्रेस, कितने अच्छे अच्छे कार्ड आए, हेरोफेंट आए, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है। जी हाँ ये बहुत अट्रैक्टेड बहुत है गाइस, एम्प्रेस की एनर्जी बार बार आ रही, कोई डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, कोई हीलर है, टैरेट का रीडर, किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत फास्ट हुआ है, हेरोफेंट बता रहा है कि ये आप जिनसे डील कर रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये आपके अपने पर्सन है, आपके अपने स्पाउस है जिसके लिए देख रहे हो, और कोई बात थी आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से डिटैच करके रखा था, बट शायद कल की रीडिंग किसी के क्रॉस वॉचर ने देखी है शायद, क्योंकि थोड़ी क्रॉस वॉचर की एनर्जी भी मुझे लग रही थी, शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनमें हुआ है, बदलाव इनमें हुआ है, जैसे कि इनको अचानक से आपकी वैल्यू, आपकी इनके लाइफ में क्या जगह है समझ में आया है, और इसके बाद ये पर्सन इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कहीं आपको लॉस तो नहीं कर दिया, इनको आने इन्होंने आने के लिए देर तो नहीं कर दी, आप कहीं इनसे इमोशनली डिटैच तो नहीं हो गए हैं, शायद एक एक डर एक भय इस पर्सन के मन में है, शायद इसीलिए पर्सन आपको खोना नहीं चाहता। हालांकि आपसे मैरिड भी होने के बाद भी इन्होंने शायद इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई ऑप्शंस है जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी पास में झगड़े हुए हैं, ये इन्होंने कम्प्लीट डिटैच न किया हो, शायद इन्होंने उनको भी पकड़ के रखा है, आपको भी पकड़ के रखा है, और यही बात सीक्रेटली आपसे हिडन है, और यही शायद आपके साथ चीटिंग है,
बट ये पर्सन आपके साथ ही ये फैमिली रिलेशनशिप वेल बिल्ड करना चाहता है, मानते हैं आपको अट्रैक्टिव, मानते हैं आपका एक मैग्नेटिक ऑरा है। देखिए दिखने के लिए आप कैसे पता नहीं है, बट आपका अपना एक ऑरा है, आपकी समाज में अपनी एक रिस्पेक्ट है और आपको लोग बहुत मानते हैं, तो ये पर्सन ना मेस्मराइज हो जाते हैं आपके इस मैग्नेटिक पर्सनैलिटी से। और इसके बाद आपका जो विजडम है, आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो तो माशाल्लाह, ये आपकी मतलब ये जो खूबसूरती है, ये जो आपकी सोल की खूबसूरती, आपकी पर्सनैलिटी की खूबसूरती, उसमें एक चार चांद जैसे लगाते हैं। ये पर्सन आप ही के साथ ही अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं। हेरोफेंट सॉरी स्टार की एनर्जी की है एंजल एम्परर। देखिए एम्परर एंड एम्प्रेस, मुझे लगता है मैं किसी स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट की एनर्जी कर रही हूँ। रिकन्सिलेशन ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं 101%। ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग हो रही है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग और पावरफुल मुझे लग रही है। तो एम्परर के लिए भी लग रहा है कि जैसे आप इनकी विच फुलफिलमेंट हो सकता है। इनका एटीट्यूड पहले बहुत ज़्यादा इगोस्टिक घमंडी रहा हो, बट अब ये एटीट्यूड पूरा चुर-चुर हो गया इस पर्सन का, और ये आपके टूवर्ड्स थोड़ा नमता हुआ लेते, थोड़ा झुकता हुआ लेते आ रहे, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को आपके वैल्यू, आपके रिस्पेक्ट समझ में आ गई है। इनको ये बात समझ में आ गई कि फैमिली की हैप्पीनेस, फैमिली का अबेंडेंस, फैमिली का जो कुछ भी है, हमें वो क्या बोलते हैं इसको, वैभव, तो ये आप ही के साथ है। देखिए ये पर्सन नाइट की एनर्जी कितनी आ रही थी कि नाइट ऑफ सोर्स भी आ गया यहाँ पर, नाइट ऑफ फ्रेंड्स एंड नाइट ऑफ कप, विथ अ लव, विथ अ एक्शन, विथ अ पैशन, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे आगे। और यहाँ पे किसी की शादी में होती हुई दिख रही, करंट एनर्जी में मैंने मैरिज की थी, और आगे भी मैं एक वेल एस्टेब्लिश्ड मैरिज देख रही हूँ आपके साथ इस पर्सन का। क्लाइमेट गाइस एनर्जी बड़ी अच्छी है। जी हाँ, आप देखते हैं क्या है एंजल के गाइडेंस टूवर्ड्स यू। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी के हेल्थ के इश्यू हो रहे हैं बहुत आजकल, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं गाइस, किसकी हेल्थ जा रही है। फॉरगिवनेस, यस मैंने बोला ना, आप पास्ट को लेकर बैठे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, थिंग्स देर आर समथिंग बेटर, फॉरगिवनेस आपको करना है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। किसी भी कोई भी एक राय बनाकर हमेशा आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए, हर बात की तहकीकात अच्छे से किया कीजिए और उसके बाद ही कोई ठोस डिसीजन या फिर एक थॉट प्रोसेस बना लीजिए। शायद आप ये लेने में थोड़ी गलती कर देते हो और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाते हो, और इसके इससे क्या होता है ना, बहुत सारे हेल्थ इशू आपके होते हैं। और इतना भी आपके लिए दिक्कत वाला लग रहा है तो ये फॉरगिवनेस में हमेशा बोलती हूँ, अगर जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं इनसे माफ़ी मांगती हूँ, और जाने अनजाने में मुझसे कोई हर्ट हुआ है तो मैं उनको माफ़ करती हूँ। हे प्रभु, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने आप से भी माफ़ी मांगती हूँ। बस अगर मैंने अपने आप को भी कभी हर्ट किया है तो मैं अपने आप से भी माफ़ी मांगती हूँ। रिकन्सिडर, ये आप एक बार फिर से सोचना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हो सकता है आपका डिसीजन चेंज हो जाए। अच्छा है आपके लाइफ में समथिंग बेटर फ्यूचर में, अभी वो टाइम नहीं हो, शायद अभी भी शायद स्ट्रगल है, कुछ चैलेंज है दोनों की रिलेशनशिप में, आप थोड़ा बहुत आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा, और इस वक्त आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, फॉरगिवनेस में जाना है आपको, फॉरगिव करना है, और दूसरा क्या करना है आपको, आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है, क्योंकि ट्रस्ट और फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस, ये तीनों बातें ऐसी है जो आपको कभी इम्बैलेंस नहीं होने देती। और एक मैसेज मैं ले लेती हूँ, ये नो पहले भी आया था, किस बात के लिए नो बोल रहे हम इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, शायद ये नो मैं मेरे मन में क्या था कि इस रिलेशनशिप को आपको शायद नहीं निकलना चाहिए, तो एंजल बोल रहे यस यही मैसेज है, इस रिलेशनशिप को आपको निकलना नहीं है, अभी थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालिए और रिकन्सिडर कीजिए रिलेशनशिप के ऊपर, और देयर इज़ समथिंग बेटर, बट ये वो सही वक्त नहीं है इससे निकलने के लिए। आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, लोगों को फॉरगिव करना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाए रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। ओके गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप डेफिनेटली मुझे बोलना। एंड यस, ये आपके लिए मैं टॉपिक लेके आऊँगी कि साल आपके लिए कैसा रहेगा 2024,
ओके तो ये थोड़ी डिटेल रीडिंग होगी, हम थोड़ा करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज हम लोग रीडिंग निकालेंगे और क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, ये थोड़ी लंबी रीडिंग होगी। तो कल भी शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो, बट परसों मैं डेफिनेटली निकालूंगी, क्योंकि वैसे एक अपॉइंटमेंट भी है और फिर थोड़ा घर का रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसके बाद हमारा ये प्रदोष का व्रत भी होता है, तो इस शायद टाइम ही ना निकाल पाऊँ मैं, बट मैं निकालूंगी लेकिन डेफिनेटली। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, वेल है, हेल्दी वेल्दी लाइफ आप जी रहे हैं, और सभी लोगों का दिल से वेलकम एंड धन्यवाद, आपने इस चैनल को ज्वाइन किया, अपने फैमिली का हिस्सा बने, सभी लोगों का दिल से वेलकम एंड धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।